हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशी स्टार फूड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम अलग फ्लेवर वाली बहुत ही टेस्टी मठरी की रेसिपी, और ये हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो आइए मठरी बनाना देख लेते हैं। मठरी बनाने के लिए देखिए, मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आटे की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको हेल्दी वर्जन से बना रही हूँ, तो गेहूँ का आटा लेंगे। इसमें 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालें, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। आपके पास तिल नहीं है तो रहने दें। 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें, मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला है। मठरी में अच्छा कलर लाने के लिए 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल लें। 1/4 कप महीन वाली सूजी डालेंगे। सूजी से ना मठरी अच्छी खस्ता क्रिस्पी बनती है, तो 1/4 कप महीन वाली सूजी डालकर अच्छे से मिला लें। देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई है। अब हम इसमें मोइन लगाएंगे। तो मोइन के लिए मैंने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है। आटे में मोइन अच्छे से लगा देंगे, ऐसे मसलते हुए ना मोइन लगा दें। देखिए, मोइन अच्छे से लग गया है। मुट्ठी बांध कर देख लें, मुट्ठी सही बन रही है, इसका मतलब मोइन परफेक्ट है। और ये देखिए, 1/2 कटोरी मैंने महीन कटे हुए कड़ी पत्ते लिए हैं। कड़ी पत्ते मैंने अच्छे से धोकर इनका सारा पानी सुखा लिया था और फिर महीन काट लिया। तो ये 1/2 कटोरी महीन कटे हुए कड़ी पत्ते हैं, ध्यान रहे कि इनको महीन काट कर लेना है। इनको भी आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ये आटा गूँथ लेंगे। तो ये आटा हमें थोड़ा सा सख्त रखना है, और ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे, आटा गूँथ लेना है। देखिए, आटा मैंने गूँथ लिया है, सख्त आटा गूँथा है, और इसके ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल लगाकर एकदम स्मूथ कर देंगे। तो थोड़ा सा ऑयल लगा दें इसके ऊपर, और इसको ढककर रखेंगे हम 10-15 मिनट के लिए। आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, तो अभी ढककर रख देते हैं और 10-15 मिनट बाद चेक करते हैं। देखिए, आटे को मैंने लगभग 15 मिनट के लिए रख दिया था। आटा अच्छे से सेट हो गया है, सूजी डाली थी इसमें, सूजी भी अच्छे से फूल गई है। आटे को एक बार फिर मसल कर स्मूथ कर लेंगे, और इसमें से ना 3-4 बड़ी लोई बना लेंगे। ये देखिए, थोड़े बड़े साइज़ की लोई बनाई है मैंने, 3-4 बनेगी इसमें से। अब एक लोई लेंगे और चकले बेलन पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, इसको बेल लेना है। एक लंबी सीट बेल लेते हैं इसकी। तो इसकी थिकनेस हमें न तो ज़्यादा मोटी रखनी है और न ज़्यादा पतली रखनी है, यानी मीडियम थिकनेस में ये बेलना है। जैसे हम चपाती के लिए बेलते हैं ना, उससे थोड़ा सा मोटा बेल लें। तो ये देखिए, लंबी सीट मैंने बेल ली है। इसके बीच में होल कर लेते हैं, जिससे मठरी तलते समय फूलेगी नहीं। और अब जिस शेप में आप मठरी काटना चाहते हैं, उस शेप में इनको काट ले। तो मैंने इनको ऐसे लंबाई में काटा है, देखिए सांखिए की जैसे, ऐसे हम इनको काट लेते हैं ना, तो जल्दी से मठरी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इनको प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और दूसरी वाली लोई लेंगे, उससे बेलेंगे, काटेंगे। तो मैंने ये थोड़ी सी बना कर रख ली है। इनको तलने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। तेल गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, तेल हमारा मीडियम हाई गर्म होना चाहिए। गैस की फ्लेम को लो कर लें, और ये मठरी तलने के लिए तेल में छोड़ेंगे। तो एक बार में ज़्यादा भर कर ना डाल लें, जितनी कढ़ाई में आसानी से आ जाए उतनी डाल लें, और लो फ्लेम पर इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद उलटते पलटते रहेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे, अच्छा कलर आने देंगे। फ्रेंड्स, कई लोग इनको सांखे भी बोलते हैं और इनको मटर भी बोलते हैं। तो ये देखिए, बढ़िया सा इन पे कलर आ गया है, और कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। इनको टिश्यू पेपर पर फैला दें या अखबार पर फैला दें, ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। और बचे हुए भी मठरी हम इसी तरह से तल लेंगे लो फ्लेम पर ही। फ्रेंड्स, आपने कई तरह की मठरी बनाकर खाई होगी, अलग अलग फ्लेवर में। मेथी की अक्सर बनाते हैं हम, लेकिन ये वाली जो मठरी बनाते हैं ना हम कड़ी पत्ते से, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसका फ्लेवर बहुत ही अलग होता है। और ये सारी मठरी मैंने तल ली है, तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी अलग फ्लेवर वाली क्रिस्पी करारी मठरी बनकर तैयार है। आप इनको अच्छे से ठंडा कर लें, फिर एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लें, 1 महीने के लिए आराम से रख सकते हैं। तो आप भी सुबह शाम की चाय के साथ खाने के लिए अलग फ्लेवर वाली मठरी बनाकर रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो much।